Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, कल हमने ones और tens representing on abacus पर solve की थी. Ones और tens को हमने represent किया था abacus पर. Okay, आज हम discuss करने वाले हैं place value. Clear that? Place वैल्यू. ओके, प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जब कोई नंबर या डिजिट लिखा हुआ रहता है, जैसे कि ये लिखा है हमने 94. सो हमने कल सीखा था कि ये डिजिट वंस को रिप्रेजेंट करती है और ये डिजिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है. ओके, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किस प्लेस पर कौन सा डिजिट रखा हुआ है. सो 4 वंस प्लेस पर रखा है और 9 टेंस प्लेस पर रखा है. क्लियर दैट? आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, प्लेस वैल्यू. ओके, सो स्टार्टेड. लेट अस कंसीडर द नंबर 25. एक नंबर है 25, इसे हम कंसीडर कर रहे हैं. इन द न्यूमेरल 25 को न्यूमेरल कहते हैं. 2 and 5 आर कॉल्ड डिजिट्स. मैंने आपको बताया था कि जो नंबर होता है इसमें जो अंक यूज होते हैं इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? डिजिट्स. सो 9 भी एक डिजिट है और 4 भी एक डिजिट है. 25 में भी 2 एक डिजिट है और 5 भी एक डिजिट है. डिजिट का हिंदी मीनिंग मींस होता है अंक. क्या होता है? अंक. ओके, सो इन द न्यूमेरल 25 इज न्यूमेरल है ना. 2 and 5 आर कॉल्ड डिजिट्स. ओके, 2 and 5 इज डिजिट है, एक डिजिट है. ठीक है, अब 2 और 5 को कैसे पढ़ते हैं? तो 5 stands for 5 ones और 2 stands for 2 tens. हमने लास्ट वीडियो में सीखा है कि 5 तो क्या है, 1 से, और 2 क्या है, 10 से. लास्ट वीडियो में हमने अबेकस के द्वारा सीखा था ना, इसमें बीट्स काउंट करके कि 5 वंस होता है और 2 टेंस के लिए यूज होता है. ठीक है, सो ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है. सो इसे हम कहते हैं 5 वंस और 2 को कहेंगे हम 2 टेंस. क्लियर दैट? द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. अब प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 की? इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू इट्स प्लेस. मींस फेस वैल्यू क्या? फेस वैल्यू क्या होती है कि 5 की मतलब कि आपको क्या दिख रहा है, इसका फेस कैसा है, तो 5 है. ओके, और इट्स प्लेस मींस कौन से प्लेस पर है, तो वंस प्लेस पर है. क्लियर दैट? फेस वैल्यू क्या है जो हमें दिख रहा है, अंक क्या डिजिट दिख रही है हमें, 5. सो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 5. और कौन से प्लेस पर है ये, वंस प्लेस पर है. सो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वंस, और बीच में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई. क्लियर दैट? सो 5 into 1. 5 तो क्या है, फेस वैल्यू है, और वंस उसकी प्लेस वैल्यू है, मींस कौन से स्थान पर है वो, वंस के प्लेस पर है. सो हमने यहाँ पर लिखा है वंस इक्वल टू, देखिए 5 across मींस मल्टीप्लाई और वंस की जगह 1. सो द प्लेस वैल्यू 5 कितनी है, 5. क्लियर दैट? कि 5 तो है फेस वैल्यू बट प्लेस वैल्यू कितनी है, वंस. सो 5 multiply 1 इज इक्वल टू 5. क्लियर दैट? अब हम 2 की बात करते हैं. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू. ओके, तो 2 की फेस वैल्यू कितनी है, 2. जैसे कि हमें 2 दिख रहा है, सो फेस से, फेस आप जानते हैं हमारा फेस कैसा रहता है, जो हमें दिखता है. ओके, सो 2 फेस वैल्यू कितनी है, 2, बट वो कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है. देखिए हमने यहाँ पर देखा था
कि टू कौन से प्लेस पर रखा है, टेंस प्लेस पर रखा है। सो टेंस में क्या होता है, टू डिजिट होती है। टेंस में कितनी डिजिट होती है, टू। सो टू इंटू इट्स प्लेस टेंस, टू इंटू टेन इज इक्वल टू 20। सो प्लेस वैल्यू ऑफ टू कितनी है, 20 है। क्लियर दैट? सो अब आप सीखे हैं कि द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव कितने हैं, 5, क्योंकि इसका फेस वैल्यू है 5 और प्लेस वैल्यू है 1। सो इज इक्वल टू होता है 5 × 1 इज इक्वल टू 5। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2, सो 2 टेंस प्लेस पर है और इसका फेस वैल्यू कितनी है, 2। मीन्स समय जो दिखता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। 2 इंटू टेंस इज इक्वल टू 20। क्लियर दैट? रिप्रेजेंटिंग वन डिजिट, वन डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसीडर द नंबर 5। 5 नंबर को कंसीडर कीजिए कि इन द न्यूमेरल 5, 5 इज कॉल्ड अ डिजिट। हमने ऊपर सीखा भी कि जो नंबर्स होते हैं उनमें जो यूज होते हैं नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं डिजिट्स। ओके, इन न्यूमेरल में ये डिजिट है, टू डिजिट है, 1 एंड 2। ये वंस प्लेस पर है और ये टू प्लेस पर है, सॉरी टेंस प्लेस पर है। ओके, अब जब हम इसको लिखेंगे 4 को, सो 4 तो इसकी फेस वैल्यू हो गई। 4 क्या है, फेस वैल्यू, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। फेस वैल्यू क्या है, 4, और प्लेस वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब हम 9 की बात करते हैं। 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9। ओके, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टेंस, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर रखा है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंटिंग वन डिजिट नंबर। 5 को डिजिट कहते हैं हम, सो 5 को स्टैंड्स फॉर 5 वंस कहेंगे। वन डिजिट में 5 वंस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 वंस। ओके, अब टू डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं 46। 46 में देखिए वंस और टेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 तो वंस है, 1, 2, 3, 4, 4 टेंस है। ओके, अब इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 6 है, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 4 है। बट हम यदि प्लेस की बात करें तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 10। ओके, हमने यहाँ पर भी सीखा है ना। अब 6 स्टैंड्स फॉर 6 1 एंड 4 स्टैंड्स फॉर 4 10, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, देखिए 4 10 एंड 6 1s। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 10s प्लस 6 1s। अब ये देखिए 4 तो क्या है, इसकी फेस वैल्यू, और 10 क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू, मीन्स कौन से स्थान पर रखा है ना। और ये 1s में 6 की फेस वैल्यू है और ये प्लेस वैल्यू है। सो ये बना 40 प्लस, और ये बना 6। 40 प्लस 6 कितना होता है, 46। सो इट्स नंबर। ओके, इसे हमने क्या किया है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में स्पैन किया है, एक्सपैंडेड किया है। क्लियर दैट? सो आपको समझ में आया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, कि जो डिजिट किस प्लेस पर रखा है उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्लियर दैट? थैंक यू।